जब से नीट का रिज़ल्ट आया है बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, स्पेशली जिन्होंने कई बार ड्रॉप ले लिया है। और बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या करें, कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मतलब कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि उनको सुसाइड करना ज़्यादा ईजी लग रहा है और एग्ज़ाम फेस करने से ज़्यादा। तो कोई भी एग्ज़ाम जो है आपके लाइफ से बड़ा नहीं है, और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक स्पेशल हो इस इंसान हो, क्योंकि इतनी सारी आबादी में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ये सारे जो है पाठ को चुनते हैं। तो बहुत चुने हुए बच्चे ही इनमें जाते हैं, मतलब सोचने का भी डेयरिंग जल्दी बच्चे नहीं करते। जनरली बच्चे बीएससी एमएससी सिंपल जो है बीकॉम एमकॉम करके जो है अपना लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो आप तो ऐसे ही स्पेशल हो, और आपकी भीड़ बहुत कम है, और बहुत कम लोगों के साथ अभी आपका कॉम्पिटिशन है। और जब आप उसी भीड़ में चले जाओगे, बीएससी एमएससी बीकॉम एमकॉम वाली भीड़ में, तो सोचो आपका कॉम्पिटिशन तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो कॉम्पिटिशन बहुत कम है। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। एक्चुअली आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आपको किस तरह से आपकी तैयारी करनी चाहिए। तो एक लड़का था जापानी, उसको तलवारबाजी सिखा, वो गया गुरु के पास कि मुझे तलवारबाजी सिखा दो। बेस्ट थे वो वहाँ के तलवारबाजी में। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ठीक है, तुम पहले जो है आश्रम के बर्तन मांजना शुरू करो। उन्होंने उनसे उससे बर्तन धुलवाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने उनको उसको काम दे दिया कि चलो अब पोछा लगाना शुरू करो, फिर कपड़े धोना शुरू करो। मतलब एक साल ऐसे बीत गया, फिर उसने सोचा कि चलो अब सिखाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो धीरे धीरे करके आश्रम का सारा काम उसको देते गए, लेकिन सिखाने की बात ना तो वो कर रहे थे और सिखाना तो दूर की बात है। तो फिर जब ऐसे करते करते 3 साल बीत गया, और जब उसका पेशेंट जवाब दे दिया तो उसने पूछा कि आप मुझे यहाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप यहाँ आश्रम का सारा काम मुझसे करवा रहे हैं, लेकिन आपने मुझे आज तक एक पाठ तक नहीं सिखाया, तलवार हाथ में पकड़ना तो दूर की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ठीक है, अब वो लड़का पोछा मार रहा था, उसी समय वो आए और सडन उस पर अटैक कर दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब मैं कभी भी किसी भी समय तुम पे अटैक कर सकता हूँ, चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, और जो काम कर रहे हो, जिस चीज़ से काम कर रहे हो, तुमको उसी चीज़ से अपने आप को डिफेंस करना होगा। तो फिर वो जब पूछा लगाए तो वो अटैक कर दें पीछे से, या फिर वो बर्तन धो रहा है तो पीछे से आ जाए। हाँ, तो ऐसे क्या हुआ, वो धीरे धीरे अलर्ट होना शुरू हुआ कि किसी भी समय आ जाएंगे वो। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब वो नींद में भी रहता था तो भी उसको अब आभास हो जाता था कि उसके आसपास कोई उस पर अटैक करने वाला, और वो रेडी रहता था अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो सबसे पहले वो डिफेंस करना इस तरह से सीख गया। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि वो क्या कर रहे थे, सबसे पहले उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाना चाह रहे थे कि तुम इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाओ कि तुम खुद को बचा सको, मुझे सिखाना ना पड़े। ठीक है, तुम अपने माइंड से ही, माइंड को इतना ज़्यादा खुद ही ट्रेंड कर दो, तुम्हारा माइंड अपने आप इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाए कि तुम खुद को बचा सको। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वाली कॉन्सेंट्रेशन थी आपके अंदर जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे? क्या कभी आपने अपने खाने को या व्हाट्सएप को या फेसबुक को बाय बाय बोला था जब आप क्वेश्चन बना रहे थे? क्या कभी आप सोने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया सडन कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा, उठकर बैठकर देख लिए, उस क्वेश्चन को उसी समय कंप्लीट करना शुरू कर दिए? क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को जो है टारगेट दिए थे कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना ही है? क्या आप उनमें से थे कि आज मुझे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा? और जब तक आपने कंप्लीट नहीं किया तब तक आपको नींद नहीं आती थी, आपको भूख नहीं लगता था, क्या आप उनमें से थे? बहुत कम लोग होंगे जो इनमें से होते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं वो एक्चुअली यही करते हैं, वो पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, सपने में भी उनके क्वेश्चंस चलते हैं, नहीं इस क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन छूट गया तो वो हर पल प्रिपरेशन करते हैं। सिंपल सी बात है
कि एक ऐसा सपना देखने से बेहतर, एक ऐसी नौकरी करने से बेहतर, एक ऐसी पढ़ाई करने से बेहतर जिसमें आपका मन नहीं लगेगा लाइफ लॉन्ग, उससे बेहतर है कि 4-5 महीने हैं रगड़ के पढ़ाई कर लो और फोड़ डालो एग्ज़ाम को। आई नो कि मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सको। राहें कठिन हैं, रास्ते में कंकड़ पत्थर हैं, पर आप लंगड़े नहीं हो कि आप चल ना सको। तो फोकस्ड हो करके अपने दिलो दिमाग में सिर्फ नीट 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 बोलते रहना है कि तुझे पढ़ना है, नीट क्लियर करना है, तुझे पढ़ना है, नीट क्लियर करना है, ठीक है। अपने दीवार पे सामने हर जगह लगा लिख के रख दो कि मुझे नीट क्लियर करना, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, नीट, नहीं तो कुछ नहीं, नीट नहीं तो कुछ नहीं। और सफल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। क्या रास्ता है? कि एक बार और प्रयास किया जाए। चींटी वाली कहानी तो सुनी होगी, चींटी सफल तभी हुई जब वो एक बार और प्रयास की। अगर आपके घर का सिचुएशन अच्छा नहीं है, फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, और अगर मन में ऐसा लग रहा है आपको कि आप क्लियर नहीं कर सकते हो, एकदम मन से जवाब आ गया है कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता, तो फिर आप छोड़ दो, तो फिर उस पर दिमाग मत लगाओ, तब फिर आप कुछ और करो, तब फिर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना पैसा कमाओ कि जो डॉक्टर आप बनना चाहते हो ना, उन डॉक्टर्स को अपने यहाँ नौकरी पे रखो, या फिर नीट एस्पायरेंट्स को मोटिवेट करो, तैयारी करवाओ उनकी, नीट एस्पायरेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए तैयार करो, उनको पढ़ाओ, ठीक है, इस लेवल की पढ़ाई कर लो। जो ड्रॉपर्स हैं स्पेशली, उनका तो आधा रास्ता ऐसे ही तय हो चुका है, एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो एग्ज़ाम देने का डर भी ख़त्म हो गया, उनको पता है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, फिर उनके नोट्स कंप्लीट होंगे, आधा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आधा तो आपका कंप्लीट है, आप तो ड्रॉपर से टॉपर बन सकते हो। एक फ्रेशर से टॉपर बनना बहुत मुश्किल है, बट ड्रॉपर से टॉपर बनना ईजी है, आप बन सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं, अरे यार एक ही चीज़ को क्या पढ़ना, बार बार उसी चीज़ को, बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चे लिखते हैं मुझे कि एक ही चीज़ को हम मैम क्या पढ़ें, बार बार एक ही चीज़ को नहीं पढ़ने का मन करा, बट अपने आप को मोटिवेट करो। इनफैक्ट आपको एक ही चीज़ को, एक चैप्टर को 4 से 5 बार पढ़ लेना चाहिए, और आपके पास समय बहुत कम है। यू डोंट हैव 5 मंथ्स, यू हैव ओनली 150 डेज, डेज में काउंट करो, यू हैव ओनली 150 डेज, और 150 डेज भी कंप्लीट आपके नहीं हैं, है ना, 150 डेज हैं, और इनमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11th 12th, जो कि 2 साल लगते हैं कंप्लीट करने में, 2 साल में भी पूरी कंप्लीट नहीं होती है ढंग से, उसको आपको 150 डेज में कंप्लीट करना है, आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि 11th 12th पढ़ लिया है आपने, एक बार ड्रॉप लिया है वो भी कंप्लीट है, और आपको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, और हर पैराग्राफ पढ़ने के बाद उससे खुद क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चंस बना के उसके आंसर ढूंढने हैं। 5 महीने हैं, रगड़ के पढ़ लो ताकि कभी ज़िंदगी में मलाल ना रहे, क्योंकि आपको कोई कपड़े ख़रीदने जाते हो तो क्या होता है, जो पसंद आता है उसकी बात अलग होती है, और जो कपड़े नहीं खरीद पाते हो तो उसके लिए मन में दुख होता है, तो यहाँ तो सपने की बात है। एक ही सपना रखो कि और दूसरा कोई सपना हो ही नहीं, अल्टरनेट, अगर यही तो बस यही और कुछ नहीं, नहीं तो फिर क्या होगा कि जब कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वह मन में आएगा कि अभी जो मेहनत हम दूसरी कंपनी के लिए कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात में 12 बजे आ रहे हैं घर, भाग दौड़ मची हुई है लाइफ में, और उतनी अर्निंग भी नहीं है और मन से खुशी भी नहीं है, काश ये मेहनत मैंने उन 4-5 महीनों में कर लिया होता, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको पूरी लाइफ, और अभी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, और कम मेहनत में आप अपना सपना जियोगे, और फिर बाकियों को मोटिवेट कर पाओगे, और एक जब सपना पूरा होता ना तो पूरी लाइफ अच्छी होती है, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर पाओगे और आसपास खुशियाँ बिखेर पाओगे। और अगर ये सपना पूरा नहीं होगा और आप कुछ अल्टरनेट चुनते हो, तो फिर वो अल्टरनेट वाला अल्टरनेट ही होता है। मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। So be motivated and start your study now, because the best time to start your study is now. No tomorrow, no perso, no overmorrow. Only now, now and now. Okay?
okay? So best of luck, my dear students. And if you find this video helpful, please do like, share and subscribe my channel. And comment box पे comment करना मत भूलना. And please इस video को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाना, ताकि जो बच्चे इस तरह की thinking के साथ जी रहे हैं कि मतलब suicide कर लें या फिर क्या करें, सब कुछ बेकार है, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मैं भी उन लोगों को ये वीडियो मोटिवेट कर पाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.